हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील, मेरे साथ हैं बबू भैया। एक्चुअली इनका एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फिशुला था ग्रेड 4 का, जिसकी एमआरआई रिपोर्ट आप यहां पे देख सकते हैं। थोड़ा सा ग्रेड 4 का फिशुला था और यहां पे आप इनकी पिक्चराइज फॉर्म में भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मल्टीपल ट्रैक्स है। कम से कम 5-6 ट्रैक्स इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। और ग्रेड 4 का फिशुला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फिशुला माना जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रेड 4 का फिशुला होता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, फिर लास्ट में ग्रेड 5 होता है। और ईश्वर कृपा रही कि हम 3.5 महीने में भैया पूरा ठीक हो गए। क्यों बाबू जी? पूरे 3.5 महीने बिल्कुल ठीक हो, जितना कहा सर ने उसी टाइम पर ठीक हो गए। और मेरी जब मैं आया था, ये मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। पहले दिन जब ऑपरेशन हुआ, दूसरे दिन मुझको बिल्कुल मालूम नहीं चला, आराम से टहलता घूमता रहा, उसके बाद अपना काम भी करता रहा। मुझको यहाँ से बहुत आराम मिला और जितने दिन मतलब इसमें ठीक हो गया, अब मुझको कोई परेशानी नहीं है। मैं मिलने चला आया आज, लगभग 1 महीना पहले ये ठीक हो गए थे। हाँ, करीब 2 महीने पहले मैं ठीक हो गया था। यहाँ आया था, सर ने कहा था अब आप बिल्कुल ठीक हो जाना, फिर मैं अकेला सर से मिले। 2 महीने पहले बिल्कुल ठीक हो गया था, अब तो 2-2.5 महीने कोई परेशानी नहीं है, मुझको यहाँ से बहुत आराम है। बिल्कुल, तो कहने का प्रया है कि भैया इतना खुश हैं कि आप मतलब हम बहुत खुश हैं यहाँ से। हमको समझ लो दूसरी जिंदगी मिली है यहाँ से, इससे बढ़िया और क्या होगा। इनकी लाइव पिक्चर में नहीं दिखा सकता, क्योंकि इनके मलद्वार के आसपास पूरा खोखला हो गया था। ये पहले कहीं केस हुआ था, वहाँ पे केस गड़बड़ हो गया था इनका, उसके बाद ये मेरे पास आए थे। क्योंकि हम रहते यही बगल में, हमको मालूम नहीं था कि यहाँ आई है, बाद में पता चला तो हम यहाँ आए। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फिशुला था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, छारसूद अब उतना पेनफुल थेरेपी नहीं होती है। हाँ, डिपेंड करता है टेक्निक टू टेक्निक, पर्सन टू पर्सन, डॉक्टर टू डॉक्टर। कुछ डॉक्टर्स छारसूद को बहुत टाइटली लाइगेट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेन होने लगता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा छारसूद लाइगेट बहुत टाइटली लाइगेट ना किया जाए, और रेगुलर बेसिस पे 2-3 बार उसकी क्लीनिंग की जाए फिशुला ट्रैक की। क्यों भैया जी? आप चूंकि यहीं बगल में रहते थे, तो इनको बुला के सुबह शाम हम लोगों ने इनकी फिशुला ट्रैक की रोज सफाई की है, जिसकी वजह से इनका जो ट्रैक था, जो कि 6-7 महीने में ठीक होने वाला ट्रैक था, वो जल्दी ही ठीक हो गया। 2.5 महीने में ठीक हो गया, लगभग 3.5 में पूरा ठीक हो गया। छार सूत्र जब आपको लाइगेट किया गया, उसके बाद कभी आपको ऐसा लगा कि लैट्रिन रास्ते में कोई दिक्कत हो रही है या लैट्रिन जाने में आसपास? जी नहीं, लैट्रिन भी सही होती थी, सारे काम सही होते, लेटता बैठता था। उससे पहले तो हमको एक ही करवट से पड़ा रहता था, ना सीधे मिलता ना बेड मिलता, चलने में बड़ा दिक्कत थी। जिस दिन मैं यहाँ आया उस दिन के बाद झाड़ पोछ हुई, उसके बाद बिल्कुल भी चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं, बाकायदा दौड़ता था पहले जैसा ना। और सबसे अच्छी बात है कि भैया जो है फ्रूट्स का इनकी शॉप है, मतलब ये फ्रूट्स का ठेला लगाता हूँ मैं, और ये अपनी जॉब को करते रहे। काम बराबर किया मैंने एक दिन के बाद, यहाँ करवाने के बाद ऑपरेशन, उसके बाद अपना काम बराबर किया मैंने, और मुझको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। थैंक यू भैया।